जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप प्यार जो सपोर्ट हमें इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी महिलाएँ हमारे घर में ब्लैक मैजिक, काला जादू और ये सब चीज़ें लाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और इस विषय पर हम एक बड़ी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए और उन पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस तरह के हालातों से कभी गुजरे हैं या अभी उनके हालात सामान्य हैं तो वो भी कभी इस सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो सावधान हो जाएं और इस मेरी बातों को बहुत गंभीरता से आप समझ लें, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आप समझ लें। हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और बात को और आगे ले जाएं, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। होता ऐसा है घर में कि जब भी किसी भी चीज़ को लेकर हमारे घर में इस काले जादू से रिलेटेड चीज़ें होती है, उसके पीछे एक मुख्य बात यह है कि काला जादू जो है हमारे जीवन में, ये केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना। मनोवैज्ञानिक दबाव इस प्रकार से कि हालात हमारे ख़राब, अच्छे, हमेशा हर एक व्यक्ति की जो ना अप एंड डाउन आता है, लेकिन जब डाउन आता है ना दोस्तों, तब हम बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों पर सोचने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चले जाते हैं। और बस इसी नेगेटिव वे में जाने के बाद खासकर वो महिलाएँ जो हमारे घर के इर्द गिर्द आस पास रहती हैं, या वो लोग, इसमें महिलाओं को भी मैं दोष नहीं, वो लोग कह दो, सीधी सी बात है कि वो पुरुष भी, वो लोग भी, वो दोस्त भी, वो मित्र भी, जो आपको ये कहते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है, और जब आपके मन में ये प्रश्न उठता है और आप किसी जानकार के पास जाते हैं तो वो एक बात ये कहते हैं कि कोई घर का ही है, कोई अपना ही है। तो ये जो एक पूरा मानसिक गेम है, एक ठगी है पैसे ऐंठने के लिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में अप एंड डाउन आता रहेगा। बस शर्त यह है कि आप उन खराब हालातों में अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना हो सके खुद काम करने पर व्यस्तता जताएं, और अगर आप अस्वस्थ हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। यही सबसे बड़ा रास्ता है और इन चीज़ों से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ अलग सा कर देगा या ये कर देगा वो कर देगा, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ होता है भगवान की सकारात्मक, जैसे भगवान का अभिषेक हो गया, ईश्वर का कोई अनुष्ठान हो गया, उस अनुष्ठान से हमारे घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है, हमारे शरीर में वो सकारात्मक तरंगे प्रवेश करती है और हमारे इर्द गिर्द एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो कि हमें इस जीवन में उन्नति के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी हमेशा देती रहती है। यही एक मुख्यतः बात है। अब इस तरह के इस काले जादू के भंवर में आप न फंसें। अगर आप फंसेंगे तो आप पैसों से भी नुकसान होगा, और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर किसी का बस नहीं है दोस्तों, या कर्म की आज़ादी आपको भी, हमें भी, सबको है, सब लोग समान हैं। आप इस तरह के किसी भी गुमराह करने वाले काला जादू से रिलेटेड, खासकर महिलाएँ, मेरी बहनें, इनसे सावधान रहें। आप सिर्फ अपने इष्ट पर यकीन रखें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं